तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान उत्कर्ष शर्मा से मूवी के बारे में कुछ पूछा गया और उन्होंने भी मूवी के बारे में जो छोटी छोटी बातें खुल खुल के बताई हैं वो आप लोगों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये वो बातें हैं जिसको सुनने के बाद में आपकी मूवी को देखने के लिए जो सोच है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ मैं, आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आपको वो चंद बातें बताता हूँ जो उत्कर्ष शर्मा ने मूवी को लेके बोली है, जो अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताई है, मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट और कर देना भाई, अगर आप सनी देओल साहब के फ़ैन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नो टेंशन। देखिए दोस्तों, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि गदर 2 में देखने को मिलेंगे 85 से 90% रियल स्टंट, क्योंकि VFX का सबसे कम यूज़ हुआ है। खतरनाक सीक्वेंस के लिए 4 एक्शन मास्टर को रखा गया है। मतलब यह है कि गदर 2 में जितने भी आपको एक्शन वाले सीन दिखाए गए हैं या दिखाए जाएंगे वो 85 से 90% रियल स्टंट है, रियल है। वो बिल्कुल भी कोई बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया, सनी देओल साहब ने खुद किए हैं। और VFX का इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में इस्तेमाल किया गया, मतलब 100 में से मान लीजिए 10 से 15%। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, उत्कर्ष ने कहा कि आज के ज़माने में जहाँ फिल्मों में हर जगह VFX इस्तेमाल होता है, तो वहीं हम लोगों ने कोशिश की है कि फिल्म को जितना रियल बना सकें, जितना एक्चुअल है। मतलब जैसे पुरानी फिल्में बनती थी जब VFX यूज़ ही नहीं होता था यार, जब भी तो मूवी बनती थी, तो ये वही कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ही रियल दिखाने की कोशिश की है। और दोस्तों मूवी के अंदर जो एक सनी देओल साहब का जो एक हथौड़े वाला सीन है वो भी काफ़ी हद तक रियल है। और दोस्तों सनी देओल ने भी फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा रियल स्टंट किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने खुद ही ये सीन सारे जो एक्शन वाले सीन हैं खुद की हैं, कोई बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया। मूवी के अंदर 4 एक्शन मास्टर को रखा गया है जो कि भाई बता सकें कि ये एक्शन ऐसे लिया जाएगा। अब दोस्तों उत्कर्ष शर्मा ने आगे कहा कि सबसे पहले तो मैं सनी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके साथ काम करना मुझे सौभाग्य है, मतलब मुझे उनके साथ दोबारा से काम करने का मौका मिला। उन्हें टेक्नोलॉजी और नए नए गैजेट्स का, मतलब उनकी तारीफ भी की, उनके बारे में बातें जानकर बहुत अच्छा लगा। वह सेट पर, मतलब वो सेट पर जब होते थे तो लोगों को मोटिवेट करते थे और लोगों को बताते थे कि आप अपना 100% दें। मतलब जैसे सेट पे जाते थे और जब भी लोगों, मतलब अपने जो भी को स्टार हैं वहाँ पे बातें करती थी, तो लोगों को यही कहते थे कि आप जो है अपना बेस्ट दें, और उन्हें करके बताते थे कि ये सीन तुम ऐसे करो, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को देखने में मज़ा आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो जीते का जो कैरेक्टर रियल दिखने में की तैयारी उसने कैसी करी। मतलब वो कहते हैं कि उत्कर्ष शर्मा कहते हैं, मैंने जो अपना ये 1971 का ये कैरेक्टर है मूवी के अंदर, मैंने उसके लिए कितनी मुश्किलें उठाई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैंने पुरानी फिल्में देखनी शुरू की, राजेश खन्ना, देवानंद, तमाम पुरानी फिल्में, आराधना देखी, आनंद देखी, कटी पतंग देखी, CID और गाइड जैसी मूवी शामिल है। और दोस्तों वो कहते हैं कि मैंने पुराने सॉन्ग भी सुने, कुछ किशोर कुमार के बहुत सारे गाने जो कि उनके फेवरेट अब बन गए हैं, जो कि उन्होंने सुने नहीं थे। और इसके अलावा 1971 के वॉर और उसके इर्द गिर्द के सिचुएशन पर न्यूज़ और आर्टिकल भी उन लोगों ने पढ़े, और उन्होंने ये भी कहा कि उस समय की जो भाषा और लहजा भी मुझे सीखना पड़ा, मैं पंजाबी नहीं हूँ इसलिए पंजाबी और उर्दू भी मुझे सीखनी पड़ी। अब दोस्तों वो वही बात बोल रहे हैं कि हथौड़े वाले सीन से लेकर कई सीन रियल शूट हुए हैं। मतलब ये है कि हथौड़े वाले सीन के अलावा और भी मूवी के अंदर जो भी सीन है वो भी रियल सीन इन्होंने शूट किए हैं, और हम चाहते हैं कि मूवी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रियल लगे। तो दोस्तों उत्कर्ष शर्मा ने वो सारी बातें बता दी जो कि मूवी के अंदर हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि भाई आप लोगों को कैसा लगता है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।